गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानोगे दुनिया के कुछ पांच भूतिया जगहों के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चंगी हॉस्पिटल सिंगापुर। सन 1930 में एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। गांव के नाम पर इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया। शुरू में यह हॉस्पिटल दूसरे अन्य हॉस्पिटलों की तरह नॉर्मल चलता गया, लेकिन विश्व वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इस इलाके पर जापानी सैनिकों का कब्जा हो गया और इस हॉस्पिटल को मिलिट्री हॉस्पिटल के तौर पर तकदीर कर दिया गया। युद्ध में जो भी सैनिक घायल होता उन्हें इस हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया जाता, लेकिन कुछ टाइम बाद डॉक्टर नर्सेज और कई अन्य सुविधाओं के चलते कमी होने लगी, जिसके कारण अन्य सैनिक मरने लगे। इस हॉस्पिटल की बहुत गंदी व्यवस्था हो गई थी और यह हॉस्पिटल एक बहुत गंदी बीमारी की चपेट में आ गया था। इस बीमारी का शिकार सैनिकों के साथ साथ डॉक्टर नर्स और अन्य कर्मचारियों में होने लगा और हॉस्पिटल भटकती आत्माओं का निवास हो गया। वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होते होते ये हॉस्पिटल भी वीरान हो गया और आसपास के लोग भी वहाँ जाने से कतराने लगे। उस समय से लेकर आज तक कुछ गांव के लोगों ने डॉक्टर नर्सेस और कई अन्य अस्पताल के कर्मचारियों को वहाँ देखा है और उनके चीखने और टोने के वाले आज भी इस हॉस्पिटल में घूमती है या सुनाई दी जाती है। कासल ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में स्थित केमर टाउन में गुड होप किले का निर्माण किया गया। उसे साउथ अफ्रीका का बहुत पुराना किला भी माना जाता है। इस किले का निर्माण समुद्री जहाज़ों से लेकर अन्य सामानों को रखने के लिए किया गया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद कई लोगों ने एक लंबे कद के आदमी को किले के प्राचीर पर टहलते हुए देखा। उसे देखने का क्रम कुछ हफ्तों तक चलता रहा। कभी एक आदमी एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक हवा में छलांग मारता था, तो कभी एक बिना सर का आदमी वहाँ घूमता हुआ नजर आता था। इस किले का भूतिया होने का दावा किले से जुड़ी एक कहानी पर आते हैं। 17वीं शताब्दी के ग्रुप ऑफ किले के एक जनरल ऑफिसर थे जिनका नाम पीटर गिस्बर्ट था। 23 अप्रैल 1728 में उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन उन्होंने 7 सैनिकों के मौत की सजा सुनाई क्योंकि वह सेना के साथ विद्रोह का आरोप लगा था। उसमें से एक सैनिक ने पीटर को श्राप दिया था कि वह बहुत ही गंदी मौत मरेगा। ठीक उसी दिन जिस दिन उन 7 सैनिकों को फांसी लगाई गई, उसी दिन पीटर की लाश उसके कमरे से मिली। पीटर की आंखों को दावा देखकर लगाया जा सकता था कि उसने कुछ बहुत बुरा देखा है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से। इतना ही नहीं, गुड होप के किले में एक घूंघट सर पर ढाई हुई एक औरत के भागने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इससे जुड़ी एक और कहानी है कि 17वीं शताब्दी में एक सैनिक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और इस किले में कुत्तों की भौंकने और उन्हें देखने जाने की अफवाह फैलने लगी और ये किला हमेशा के लिए वीरान और खंडर बन गया। ऑल आइसलैंड मैक्सिको। मैक्सिको के 200 किलोमीटर दूरी के एक कोने पर एक टापू है। उसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह इतना प्यारा है पर फिर भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। इसकी वजह है उस टापू पर के पेड़ों पर लटकती गुड़ियों का झुंड। ये डॉल्स कोई साधारण डॉल्स नहीं है जो लोगों को खतरनाक तौर से देखती हैं। इन गुड़ियों पर नज़र जाते ही लोग डर से कांपने लगते हैं। इस टापू पर गुड़िया टांगने का पीछे एक कहानी है। सालों पहले मैक्सिको के डॉन और उनकी पत्नी टापू पर रहने आए थे। वहाँ उन्होंने अपना बसेरा बनाया, लेकिन एक दिन उन्हें पानी में तैरती हुई एक लाश दिखी, वो भी बच्ची की। उन्होंने उस लाश को उठाकर एक जगह दफना दिया। इसके बाद वे दोनों अजीब व्यवहार करने लगे। उन्हें डर आने लगा कि उस बच्ची की लाश में से आत्मा निकल कर उनको मार देगी। इस आत्मा के डर से काबू पाने के लिए और उसके पीछे छुटवाने के लिए उन दोनों मियाँ बीवी ने जंगल के पेड़ों पर अलग अलग तरीके से और अलग अलग गुड़ियों को टांगना शुरू कर दिया। गुड़ियों को लटकाने का काम सालों तक चलता रहा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। आज उनकी पत्नी को मरे हुए 14 साल हो गए, लेकिन उन्होंने जो गुड़ियों को टांग टांग कर वहाँ का नज़ारा बना दिया, उस वजह से लोग आज भी वहाँ जाने से कतराते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।